मेरठ के न्यूटमा अस्पताल में एक बेटी का जन्म हुआ। वो कई दिन तक उस अस्पताल में भर्ती रही। जब बिल बना तो डॉक्टरों ने कुछ जाति की और 5 लाख रुपए का बिल बना दिया। इस मामले में जब परिजनों ने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से संपर्क किया तो वो वहाँ पर उस बच्ची की पैरोकारी करने पहुँच गए थे। इस मामले में डॉक्टरों ने अतुल प्रधान और उस नवजात बच्ची के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। फर्जी मुकदमे के खिलाफ कई दिनों से बवाल चल रहा था और आज अतुल प्रधान यहां आमरण अनशन पर बैठ गए हैं मेरठ के डीएम ऑफिस के बिल्कुल बाहर। अतुल प्रधान हमारे साथ हैं। विधायक जी, आमरण अनशन शुरू माना जाए? देखिए, आमरण अनशन के हमने कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे। अभी अधिकारियों से वार्ता हो रही है। हमने अधिकारियों के सामने ये बात रखी थी या तो मुकदमा ख़त्म हो या उन पर लिखा जाए और साथ साथ जो जांच कमेटी है वो सही तरीके से काम करे। अभी देखते हैं, इन लोगों को आमरण अनशन तो करना ही करना है। अगर ये उस चीज़ पर राजी नहीं होते या नहीं बताते यहाँ पर आकर तो हम निश्चित रूप से आमरण अनशन भी करेंगे, दिवाली भी यहीं मनाएंगे और इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे। छोटी सी बच्ची जिसका कुछ ही दिन पहले जन्म हुआ उसकी पैरोकारी करने पर मुकदमा? हाँ, यही तो ये बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने कर दी। सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। ये पूरा सिस्टम इन्होंने कोलैप्स कर दिया और आंदोलन को हम लोग आगे लेके जाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से सिर्फ न्यूटिमा नहीं बल्कि पूरे मेरठ में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ चाहे सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, हम उसके खिलाफ निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे। सरकार ये कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन यहाँ तो डॉक्टरों को भी दया नहीं आई उस पर। देखिए, ये कहना और करने में धरती आसमान का अंतर है। इनकी मंशा, इनकी सोच, ये इनके काम में झलकती है। हम इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आगे लेकर जाएंगे और इस लड़ाई को आगे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए अंकुश जी, जो अस्पताल है वो भी इलीगली बना हुआ है? अस्पताल इलीगल है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये 1857 की धरा है। ये धन सिंह कोतवाल की धरती है, बाबा शाहमल की धरती है। यहाँ से आंदोलन हुए इस तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी माननीय विधायक जी के साथ है। अतुल प्रधान जी का गुनाह ये है कि एक बच्ची के जो नवजात अभी बच्ची हुई उसके लिए आवाज़ उठाना, और वो भी वो अस्पताल इतनी हिमाकत कर रहा है कि वो FIR लिखा रहा है। अगर इन पे FIR लिखी गई तो पीड़ित की तरफ से FIR क्यों नहीं लिख रहा प्रशासन? या तो ये FIR तत्काल वापस ले, नहीं तो मुझे लगता है कि जन आंदोलन बनेगा। कितना अवैध निर्माण है? मैं तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कम 60% अवैध निर्माण है। जहाँ तक बेड की बात करते हैं, अनाप शनाप लोग बादकल बोल रहे हैं, कोई 20 बता रहा है, पास तो 20 पे है लेकिन 200 से ज़्यादा बेड वहाँ पे चले हैं। गैलरियों में बेड लगाते हैं जब पीक टाइम चलता है। खुली लूट यहाँ पे चल रही है और तानाशाही की इंतहा इन लोगों ने मचा। जहाँ बाइक और गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए वहाँ भी बेड और OPD है। देखिए, इनका डबल बेसमेंट है, उन डबल बेसमेंट में सारी जगह पार्किंग के लिए स्वीकृत है, वो वहाँ पे पार्किंग नहीं होती है। ऊपर का डेढ़ माला अवैध है, वो बन ही नहीं सकता। उसके बाद भी इन लोगों ने शमन शुल्क जमा करने की बात कही, 40 लाख रुपये प्राधिकरण ने बनाया, वो इन्होंने जमा नहीं किया। मैं आपको पुराने कागजात आपको मैं साझा करूंगा, उसमें DM साहब ने तत्कालीन जो DM थे 3 लोगों की कमेटी बनाई। इस पे 2020 में मैंने PIL डाली इलाहाबाद में इन मेरठ के नर्सिंग होमों को लेके, वो कोविड की वजह से अभी नंबर पे नहीं आई। तो मुझे लगता है कि हम लोग इन अस्पतालों की खुली लूट के खिलाफ चुप रहने वाले। 2017 से अभी तक 5 साल हो चुके हैं, जो बुलडोजर घूमता है MDA का वो भी कुछ नहीं कर पाया। बुलडोजर घूमता है, ये बुलडोजर विनाश का परिचायक है, लेकिन ये जाता है, ये कॉलोनियों पे जाता है, लेकिन कोई अगर छज्जा बना ले उसके घर को तोड़ने पे जाता है और कॉलोनियों पे रसम अदायगी करके आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन तमाम लोगों का संरक्षण इसमें प्राप्त है। ये बुलडोजर की कोई कही, सिर्फ दिखावा है। आम आदमी पार्टी, हम लोग ये मांग करते हैं कि अतुल प्रधान जी पे जो मुकदमा हुआ है उसको तत्काल या तो वापस लिया जाए या इनकी तरफ से जो पीड़ित पक्ष है उसका भी मुकदमा दायर किया जाए, उसको भी दर्ज किया जाए। अस्पताल के अवैध निर्माण पे भी कार्रवाई हो? अस्पताल के अवैध निर्माण पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हम इसको पूरी तीव्रता के साथ पुणे अधिकारियों के साथ पुरानी सारी कंप्लेनों को लेकर दोबारा से हम लोग इसको हाईकोर्ट भी जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे इसके खिलाफ, बिल्कुल। मेरी 2020 की PIL क्योंकि पेंडिंग है तो उस पर अभी चल रहा है। अभी लास्ट टाइम इलाहाबाद हम गए तो उस पर चर्चा चल रही है, जल्दी उस पर निर्णय आएगा। देखिए, और मेरठ के तमाम अस्पताल पे आएगा, खाली न्यूटिमा पे नहीं।
तो ये जो आंदोलन है वो अब शुरू हो चुका है, और अब केवल आंदोलन इस बात का नहीं है कि जो मुकदमा है वो ख़त्म कर दिया जाए, आंदोलन इस बात को लेकर भी है कि जितने भी अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं, जिनकी इमारतें अवैध हैं और वहाँ मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके खिलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई हो। जो मेरठ विकास प्राधिकरण है वो अवैध रूप से खड़े हुए इस अस्पताल पर भी एक्शन ले। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।